सो हे गेमर्स, क्या हाल चाल है सभी के यार। फाइनली हमारे गेम के अंदर बेट जे फेस्ट नेम से एक न्यू इवेंट आ चुका है, जिसके अंदर आपको लेजेंडरी परांग का स्किन बिल्कुल ही फ्री मिलने वाला है। तो गाइस फटाफट से हम लोग चलते हैं इस वाले इवेंट के अंदर। और गाइस ये जो इवेंट है ना, वो बहुत ज्यादा सिंपल है, बस आप लोग को अच्छे से समझना होगा और आप लोग इजिली इस वाले इवेंट को कंप्लीट कर सकते हो। अब गाइस देखो, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो आप लोग चाहो तो अगर रूल्स वगैरह पढ़ना चाहो तो आप लोग रूल्स वगैरह भी पढ़ सकते हो, लेकिन रूल्स पढ़ने की आप लोग को जरूरत नहीं है, मैं आप लोग को अच्छे से समझा देता हूँ, तो आप लोग को रूल्स पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अभी गाइस देखो, ये जो इवेंट है वो 8 अगस्त से लेकर पूरे 19 अगस्त तक चलने वाला है, मतलब कि ऑलमोस्ट 11 दिन के आपके पास टाइम है, लेकिन आप लोग उससे पहले इस वाले इवेंट को कंप्लीट कर लोगे और जो आपको लेजेंडरी परांग का स्किन मिल रहा है, ये आप लोग इजीली क्लेम कर सकते हो, ठीक है। अब आप लोगों को इस वाले इवेंट को कैसे कंप्लीट करना है मैं आप लोगों को बता देता हूं, लेकिन हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर देना। अभी देखो, इस इवेंट के अंदर आने के बाद ना, यहां पर आप लोगों को प्ले का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले ऊपर में देखो क्या लिखा हुआ है, सेलिब्रेशन कॉल 5th एनिवर्सरी, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, किल चोरी। और गाइस ये जो है वो लॉक पड़ा हुआ है, क्योंकि यार ये होने वाला है 9 अगस्त को अनलॉक, आज 8 अगस्त है, उसके बाद कल 9 अगस्त है, तो कल ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा, इसके लिए आप लोग कोई मिशन कंप्लीट नहीं करना है। उसके बाद आप लोगों को एटर्नल लव देखने को मिलेगा, जो कि 10 अगस्त को अनलॉक होने वाला है, उसके बाद टू द मैक्स देखने को मिलेगा, जो कि 11 अगस्त को अनलॉक होगा, और इसी तरीके से आप लोगों को डेली का डेली कुछ ना कुछ मिशन देखने को मिलेंगे, और उस मिशन का एक नाम होगा, जैसे कि मेरे स्क्वाड की बेट, जो उसके बाद यूनाइट 5th एनिवर्सरी, हीरोज अराइज, और उसके बाद लास्ट में आप लोगों को डीएनए में डांस देखने को मिलेगा, ठीक है। और गाइस इन सभी का एक डेट होने वाला है, जैसे कि कल 9 अगस्त को ये अनलॉक होगा, उसके बाद 10 अगस्त को अनलॉक होने वाला है, उसके बाद 11 अगस्त, इस तरीके से टोटली यहां पर 15 अगस्त तक ये सारा कुछ अनलॉक हो जाएगा। और गाइस अनलॉक होने के बाद आप लोगों को इसके सारे मिशन कंप्लीट करने होंगे, ठीक है। जैसे गाइस यहां पर आप लोगों को प्ले का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, और गाइस अगर आप लोग यहां पर प्ले कर लेते हो तो ऊपर में आप लोगों को यहां पर गोल्ड रॉयल का वाउचर मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग सिंपली से प्ले वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप लोग प्ले वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आप लोग चाहो तो ऊपर से आप लोग पॉज भी कर सकते हो, यहां से आप लोग रिज्यूम पॉज भी कर सकते हो अगर आप लोग चाहो तो, ठीक है। उसके बाद हम लोग रिज्यूम करते हैं, और गाइस मैं आप लोग खेल कर दिखाई, तो यहां पर आप लोगों को कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो गाइस देखो, ऊपर से ना आप लोगों को एक ट्रायंगल देखने को मिलेगा, और गाइस इस ट्रायंगल को यहां पर टैप कर देना है, और ये हमारा मिस हो चुका है, लेकिन आप लोगों को बॉक्स में आते यहां पर टैप करना है, ठीक है। जैसे कि गुड हो चुका है, तो इस तरीके से देखो गुड हो चुका है, ठीक है। तो आप लोगों को बस टैप करते रहना है, और गाइस ये बॉक्स के अंदर ये टैप हो जाएगा ना, तो ये गुड हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से आप लोगों को स्कोर मिलेगा, जैसे कि भी आप लोग देख पा रहे, और कुछ आपका मिस भी होगा, तो ये बहुत ज्यादा सिंपल सा गेम है, आप लोग आई थिंक यार आप लोग तो इजिली कंप्लीट कर लोगे यार, ऐसा ऐसा गेम तो आप लोग डेली खेलते ही रहते होगे। तो गाइस इस तरीके से आप लोगों को ये जो ऊपर में आप लोगों को स्कोर मिलेगा, ठीक है। तो फटाफट से हम लोग कर लेते हैं, ओके गाइस ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, चलो ओके ये हो गया। और जैसे-जैसे आप लोग कॉम्बो करोगे ना, आपका एक भी मिस नहीं होगा ना, तो आपको एक्स्ट्रा स्कोर मिलने वाला है, ठीक है। तो गाइस देखो, इस तरीके से आप लोग गेम्स खेलना, और जैसे-जैसे आप लोग टैप करोगे ना, वैसे-वैसे आपको स्कोर मिलेगा, और गाइस ऊपर में देखो मेरा जो स्कोर है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को स्कोर मिलेगा, और चाहो तो आप लोग इसे पॉज भी कर सकते हो, या फिर अगर आप लोगों को मेन मेन्यू के अंदर जाना है तो आप लोग मेन मेन्यू के अंदर भी जा सकते हो, ठीक है। तो गाइस यहां पर मैं फेल हो चुका हूं, अगर मैं चाहूं तो यहां पर फिर से अपना जो मिशन है वो कंप्लीट कर सकता हूं, तो बस आप लोगों को प्ले अगेन पे क्लिक करना है, या तो फिर अगर आप लोगों को मेन मेन्यू के अंदर जाना है तो बैक टू मेन मेन्यू के अंदर क्लिक कर देना है। और गाइस अगर आपका ये जो मिशन है ना वो कंप्लीट हो जाएगा ना, तो ऊपर का जो यहां पर गोल्ड रॉयल का वाउचर है वो आप लोग क्लेम करने का ऑप्शन आएगा, तो आप लोग इजीली क्लेम कर लेना, ठीक है। अभी गाइस मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि यार आप लोगों का जो मिशन है वो कैसे कंप्लीट होगा। तो ऊपर में आप लोग यहां पर जो पास देख रहे हो ना, यहां तक आप लोगों को जो पास है वो पहुंचा देना है, और जैसे आप लोग वहां तक पहुंच जाओगे ना, तो फाइनली गाइस आप लोगों का जो इवेंट है, मतलब इवेंट मिशन है, जो आज का ये जो इवेंट मिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखो नीचे में एक मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, थोड़ा सा यहां पर स्कोर मेरा बढ़ाने दो, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूं क्या है। ऑल राइट गाइस, देखो नीचे में जो ब्लू कलर का जो लाइन दिख रहा है, जो कि धीरे-धीरे ऊपर आ रहा है, तो गाइस वो जो लाइन है ना वो आप लोगों को पूरा ऊपर तक कर देना है, ठीक है। और गाइस पूरा ऊपर पास तक चला जाएगा ना, तो गाइस फाइनली आपका जो ये जो मिशन है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और गाइस इस तरीके से आप लोगों को यहां पर गोल्ड रॉयल का जो वाउचर है वो क्लेम करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अभी गाइस सर हम लोग इसे पॉज कर लेते हैं, बैक टू मेन्यू पे चलते हैं, और देखो यहां पर ये जो इवेंट है वो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जैसे आप लोग पास तक पहुंच जाओगे ना, फाइनली ये जो गोल्ड रॉयल का वाउचर है वो आप लोग को मिल जाएगा, और आज का जो मिशन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद गाइस कल 9 अगस्त को किल चोरी का जो मिशन है वो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा, जैसे कि ये अभी लॉक है, लेकिन कल 9 अगस्त को ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। और किल चोरी के अंदर जाने के बाद आप लोगों को ऐसा ही एक छोटा सा गेम देखने को मिलेगा, शायद सेम गेम मिलेगा, या तो फिर अगर अलग गेम मिलता है तो मैं आप लोग कल वीडियो बनाकर बता दूंगा, अगर सेम गेम मिलता है तो आप लोग को सेम ऐसे ही करके खेलना है, और आप लोग को यहां पर जो लाइटनिंग है वो मिल जाएगा, ठीक है। और ऊपर का जो रिवॉर्ड्स है ना वो आप लोग को मिलता जाएगा। इसी तरीके से आप लोग को सारे मिशन कंप्लीट करने हैं, जैसे जैसे यहां पर डेट बाय डेट ये ताला जो है वो अनलॉक होता है, आप लोग को यहां पर जो गेम है वो खेलना है, और आपको मिशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो आपका परांग का स्किन है, लेजेंडरी परांग का स्किन है, वो आप लोग कैसे मिलेगा। तो गाइस देखो, यहां पर जो आप लोग देख रहे हो ना, इसे बोलते हैं लाइटनिंग बोल्ट्स, ठीक है। और अगर मेरे पास 20 लाइटनिंग बोल्ट्स हो जाएंगे तो फाइनली मुझे ये वाला जो परांग का स्किन है वो मुझे मिल जाएगा। जैसे कि नीचे में अभी आप लोग देख पा रहे, 5 लाइटनिंग बोल्ट्स मुझे मिलता है, तो मुझे यहां पर ये वाला जो गन का क्रेट है वो मिल जाएगा, और 10 लाइटनिंग बोल्ट्स हो जाता है तो
मुझे यहाँ पर ये वेपन रोल का वाउचर मिलेगा और मेरे पास 20 लाइटनिंग बोर्ड्स हो जाता है तो फाइनली मुझे यहाँ पर ये वाला जो परांग का लेजेंडरी स्किन है वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइस देखो आज का अगर मैं मिशन कंप्लीट करूंगा तो मुझे 3 मिलेगा, कल का मिशन कंप्लीट करूंगा तो फिर से मुझे 3 मिलेगा, इस तरीके से मुझे अगला अगर मैं करूंगा तो 9 हो जाएगा, उसके बाद अगला करूंगा तो गाइस 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को टोटली यहां तक करना है। ठीक है, 14 अगस्त तक आप लोग डेली का मिशन कंप्लीट कर लेते हो तो फाइनली गाइस आप लोगों के पास कितना हो जाएगा यार, 3 और 4, 4 3 7 हो गया तो 21। ठीक है, तो मतलब 20 आप लोगों को लाइटनिंग बोर्ड चाहिए लेकिन 21 हो जाएगा, तो फाइनली गाइस आप लोगों को 7वें दिन मतलब कि 14 अगस्त को फाइनली ये जो परांग का स्किन है वो आप लोग क्लेम करने का ऑप्शन आ जाएगा अगर आप लोग डेली का मिशन यहां पर कंप्लीट कर लेते हो तो। ठीक है, और गाइस मिशन कैसे कंप्लीट करना है वो तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, जस्ट आप लोग गेम खेलना है और गाइस गेम खेलने के बाद आप लोगों का स्कोर बढ़ाना है और गाइस आपका जो मिशन है वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली गाइस मैंने आप लोगों को इस इवेंट के बारे में फुल डिटेल्स के साथ बता दिया, इस तरीके से आप लोगों को परांग का स्किन मिलने वाला है। होपफुली आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके यार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो बस यार आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं किसी और नई वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर।